नमस्कार। आज मैं बात करूंगा सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में, आत्मसम्मान या खुद की कीमत करना या खुद का मान करना। क्या होता है कि बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि लोग मेरी कीमत नहीं करते, लोग मुझे मान देते नहीं, लोग मुझे रिस्पेक्ट करते नहीं, लोग मेरा सम्मान करते नहीं, मेरा अपमान कर दिया। ऐसा काफ़ी लोगों का रहता है कि भाई वो मेरा सम्मान नहीं करता इसलिए मैं उससे बात नहीं, वो मुझे नीचा बताता है इसलिए मैं उसे बात नहीं करूंगा, या उसने मेरा अपमान कर दिया अब मैं उससे जिंदगी भर बात नहीं करूंगा। मतलब इस तरह के डायलॉग हम काफी सुनते रहते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब क्या है? सेल्फ का रिस्पेक्ट वो कहां से चालू होता है? सेल्फ मतलब मैं खुद। जिसका ईगो जो है बहुत ज्यादा है, ईगो आइडेंटिटी कि मैं कोई तो भी हूं, मैं कोई इंसान ऐसा हूं कि बस लोगों ने मुझे मानना चाहिए, लोगों ने मुझे मान सम्मान देना चाहिए, ऐसा ईगोइस्टिक आदमी जो है उसको लगता है कि लोगों ने मेरा सम्मान करना चाहिए, लोगों ने खड़े होना चाहिए मैं जाने के बाद में, लोगों ने मेरा आत्मसम्मान करना चाहिए, ऐसा लोगों को लगता है। वो किसको लगता है? कि जिसको खुद के दिल में, खुद के मन में खुद के लिए सम्मान नहीं है। जब खुद के लिए खुद का सम्मान खुद ही नहीं कर रहा है तो लोग क्या आपका सम्मान करेंगे? और यदि आप खुद का सम्मान कर रहे हैं तो लोगों की सम्मान की जरूरत ही क्या है? यदि आप आपका सम्मान नहीं करते, आप आपको मान सम्मान देते नहीं, आप आपको नीचा देखते हैं, आप आपको खुद को ऐसे लेवल लगाते कि मैं कमीना हूँ, मेरा इतना अच्छा नहीं है, मेरा बुद्धि अच्छी नहीं है, मुझे लोग मान सम्मान देते नहीं, मैं दिखने में अच्छा नहीं हूँ, मतलब ऐसा खुद के बारे में इतने सारे लेबल लगा के रखे हुए हैं, खुद को मान सम्मान देंगे नहीं तो लोग क्या मान सम्मान देंगे? यदि लोग आपका मान सम्मान नहीं करते या लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे तो फिर आपने वहाँ स्टैंड लेना जरूरी है। यदि लोग आपको नीचा बताते हैं, लोग आपकी मजाक उड़ा रहे हैं तो फिर आपने स्टैंड लेना जरूरी है। समझो एक बहू है, नई नई शादी करके घर में जाती है और वहाँ जाने के बाद में उसको बहुत ताने सुनने पड़ते हैं, सास के बोलो या बाकी लोगों के, और उसका अपमान किया जाता है, उसको नीचा बताया जाता है। अब उसने अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, उसको ऐसा लगता है कि नहीं ये ठीक नहीं है, तो उसने सीधी बात करना चाहिए। होता क्या है कि वो बहू जो है, वो लड़की जो है अपने माँ को फ़ोन करती है, बोलती है देखो मुझे सासू ऐसी बोलती है, देखो मुझे वो देवर ऐसा बोलता है, मेरा मेरी कोई इज्जत नहीं करता, मुझे नीचा बताते हैं, मुझे काम बताते हैं, उठते बैठते काम बोलते रहते हैं ऐसा, और वो फ़ोन करती रहती है। वो उसने स्टैंड लेना जरूरी है, उसने बोलना चाहिए कि नहीं मैं इस तरह का जो व्यवहार है आपका मैं सहन नहीं करूँगी। मतलब जब आपको ऐसा लगता है कि अपना रिस्पेक्ट नहीं हो रहा है तो आपने सीधी बात सामने वाले से करना चाहिए, ना कि वो सहन करना चाहिए। जब आप सीधी बात करोगे तो सामने वाली सीधी बात करेगा, और यदि तभी भी सामने वाला सीधी बात नहीं कर रहा है तो फिर आपने वहाँ रहना नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि बॉस और उसका जूनियर, यदि बॉस उसका मान सम्मान नहीं करता है, उसको सम्मान देता नहीं जूनियर को, जूनियर है तभी, और बार बार नीचा बताता है, अपमान करेगा, इंसल्ट करेगा, तो जूनियर ने बोलना चाहिए कि भाई नहीं चलेगा ये, मुझे काम सिखाओ, मैं सीखूंगा, गलती हो गई मैं दुरुस्त करूंगा, मगर मैं अपमान नहीं करूंगा, सहन करूंगा। और वही जी बॉस मानता नहीं है, बॉस तभी भी बार बार वही करता है, तो फिर आपके सामने क्या पड़ा है कि नौकरी छोड़ दो, अलग कहीं जगह जाओ, अलग जगह नौकरी करो। लड़के बिक जाते हैं शादी के बाजार में, कहाँ आत्मसम्मान है? नहीं, वहाँ लड़की की तरफ से दहेज मिलना चाहिए, गाड़ी मिलना चाहिए 8 लाख की, 10 लाख की, बहुत ऑर्नामेंट्स मिलना चाहिए, सोने की चीज, डायमंड ये मिलना चाहिए। तो फिर हुआ क्या, जब लड़का बोलता है कि नहीं शादी में मुझे कार मिले, कार चाहिए 10 लाख रुपए की, तो इसका मतलब क्या हो गया? 10 लाख में उसने खुद का सौदा कर लिया। अब वो बार बार बताएंगी लड़की यहाँ आने के बाद में, देखो ये कार तो मेरी माँ ने दी हुई है, मेरे पिताजी ने दी हुई है, वो तो बार बार आपका अपमान करेगी, आपका सम्मान कहाँ रहेगा? क्या होता है कि लोग आपका सम्मान करते नहीं, ठीक है, मगर आप भी अपने नज़र से गिर जाते हो। देखो घूस लेना बहुत ही कॉमन बात हो गई, भ्रष्टाचार, पैसा लेना, करप्शन। आज कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाओ, एक्सेप्शन है, अपवाद है, मगर ज़्यादातर क्या है? ज़्यादातर तो भ्रष्टाचार है, वो शिष्टाचार हो गया, वो तो मतलब कॉमन हो गया है। मगर क्या जो घूस लेता है वो व्यक्ति, क्या उसके खुद के दिल में खुद के लिए सम्मान रहता है? बिल्कुल नहीं। जब वो अकेला रात को सोता है ना, डेफिनेटली वो अपनी नज़र में खुद गिर जाता है। जब आप झूठ बोलते हो, जब आप करप्शन करते हो, जब आप कुछ भी चीज़ ऐसी करते हो कि जो लोगों को मालूम नहीं मगर आपको मालूम है कि वो गलत है, तो आप अपनी नज़र से गिर जाते हो। तो पहले आपने अपने नज़र से गिरना बंद करना चाहिए।
वो कोई भी व्यवहार, वही कृति नहीं करना चाहिए कि आप आपके नज़र से गिर जाओगे। और यदि आपकी नज़र एकदम स्ट्रेट है, ब्रेव है, साहसी है, तो डेफिनेटली लोग भी आपका सम्मान करेंगे। रिलेशनशिप में क्या होता है? रिलेशनशिप में अपमान हो जाता है। रिलेशनशिप में क्या होता है? रिलेशनशिप टूट जाती है जब आप सामने वाला जो कहता है वो आप मानते नहीं हो। इसलिए लोगों को पूछो ही मत। यदि रिलेशनशिप आपकी आपको तोड़ना नहीं है ना, तो लोगों को पूछना नहीं, लोगों की सलाह लेना नहीं। क्या होता है कि आप लोगों की सलाह लेते हो, लोगों को पूछते हो, वो उसकी सलाह देता है, कुछ ना कुछ बोलता है, और बाद में आपने उसका कहना माना नहीं तो उसको लगता है कि देखो मैंने बोलने के बाद में माना नहीं, और उसके दिल में खटास आ जाती है। तो कभी भी किसी को पूछना है तो उसको बोलो ही मत कि भाई आपकी सलाह क्या है, आप क्या चाहते हो, आपका क्या मन है। नहीं बोलना, आप ऐसा बोल सकते कि मुझे है ना कुछ बात आपसे डिस्कस करनी है, चलो साथ मिलकर चर्चा करते हैं, और आपका मत इसके बारे में क्या है मैं जान लूँगा। इस तरह की डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे तो अच्छा होगा, रादर देन उसका ओपिनियन या उसका निर्णय हमने लेना। क्योंकि एक बार निर्णय लिया, उसका ओपिनियन पूछ लिया और वो किया नहीं, तो फिर रिलेशनशिप में बाधाएं आती है, फिर रिस्पेक्ट नहीं रहता एक दूसरे का, फिर वो बोलता है मुझे पूछता ही क्यों है जब मेरा सुनना ही नहीं है। तो कभी भी डिस्कस करना है ऐसा बोलो, इसके बारे में आपके क्या ख्यालात है वो मुझे सुनना है ऐसा बोलो, ताकि फिर रिस्पेक्ट रहेगा एक दूसरे के मन में, एक दूसरे के लिए। सबसे महत्व का यह है कि भाई लोगों ने मान सम्मान देना चाहिए और लोगों ने मेरी तारीफ करना चाहिए, लोगों ने मेरी वाह वाह करना चाहिए। ये तो लोगों के ऊपर डिपेंड हो गया ना, मतलब आपका जीना जो है, आपका जीवन जो है, लोगों के ऊपर डिपेंड हो गया। और चापलूसी करने वाले, सामने हाँ बोलने वाले, अच्छा बोलने वाले तो बहुत लोग मिलेंगे आपको, पेमेंट पे मिल सकते हैं, मगर मेरा जीवन लोगों की तारीफ के ऊपर है ऐसा न होते हुए, मेरा जीवन लोगों के तारीफ पर निर्भर है ऐसा करने से, मेरा जीवन मेरे आंखों के सामने अच्छा है, मैं मुझे अच्छा देखता हूँ, मैं मुझे अच्छा समझता हूँ, मैं मेरी तारीफ कर सकता हूँ, मैं मेरे ऊपर प्यार करता हूँ, ऐसा मैंने किया तो लोगों की प्यार की, लोगों की सम्मान की जरूरत नहीं पड़ेगी, और लोगों ने मान किया क्या, सम्मान किया क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर आपका रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा। वीडियो आपको अच्छा लगा जो लोगों को शेयर करो, थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है, वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोज़ हैं, और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या आप वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे दिए नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।